बलात्कारी राम रहीम जैसे कलंक से अछूते नहीं। भारत के पादरी फादर जयपॉल के गुनाहों पर छिड़ा घमासान। जैसे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ऐसे ही धर्मगुरुओं के स्याह गुनाहों में भेद कैसे हो सकता। बाबा राम रहीम की तरह तमिलनाडु के विवादास्पद चर्च पादरी फादर जयपॉल पर कई नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करने के गंभीर आरोप है। सच तो यह है कि तमिलनाडु के इस बलात्कारी पादरी को दुष्कर्म के दो मामलों में सजा भी मिल चुकी है। फादर जयपॉल नन बनाने का प्रलोभन देकर जवान लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण करते थे। पीड़ित लड़कियों के मुताबिक फादर का ये कहना था कि अगर वो दुष्कर्म में सहयोग नहीं करेगी तो उन पर पाप लगेगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि फादर जयपॉल को अदालत की सजा के बाद वेटिकन सिटी की चर्च ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें तमिलनाडु में फिर से पादरी का काम दे दिया। लेकिन जैसे ही दुष्कर्म के मामले में गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा मिली तो तमिलनाडु में भी तमाम सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर आगे और पादरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर काम करने वाली एक संस्था का कहना है कि यह न्याय व्यवस्था के साथ मजाक है। अगर चर्च इस तरह की घटनाओं पर पर्दा डालेगी तो भारत में वो मिशनरी स्कूल कैसे सुरक्षित रहेंगे जिन्हें चर्च चलाती है। फादरी पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पहली लड़की नाबालिग थी व दूसरी जवान जो नन बनने आई थी। नन बनाने का प्रलोभन देकर पादरी जयपॉल ने अमेरिका में उसके साथ बलात्कार किया और फिर जयपॉल अमेरिका से भागकर तमिलनाडु आ गया। लेकिन 2 साल पहले अमेरिका की मिनेसोटा कोर्ट ने पादरी को बलात्कार का दोषी पाया और सजा सुनाई। अमेरिका के मिनेसोटा में शोषित लड़कियों की तरफ से पैरवी करने वालों ने भी चर्च की घोर आलोचना की और कहा कि पोप की इस घटना पर जवाबदेही बनती है और उन्हें जवाब देना चाहिए। वहीं भारत में पादरी पर से निलंबन हटाने वाली संस्था के प्रवक्ता का कहना है कि हमने निलंबन इसीलिए हटाया है क्योंकि रोम की वेटिकन सिटी ने उन्हें माफ कर दिया है। हालांकि 2010 में भारत में चर्च की जो बैठक हुई थी उसमें शामिल होने वाले पादरियों ने ये संकल्प लिया था कि अगर भारत में कहीं भी पादरी के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत मिलेगी तो उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। लेकिन अब नन बनने आई पीड़िता भी आरोपी पादरी के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है और न्यूज मिनट की वेबसाइट के अनुसार पीड़ित लड़की ने जो गवाही दी है उससे उथल-पुथल मच गई है। उसने कहा, फादर जयपॉल ने बलात्कार करने से पहले मुझसे कहा कि यह पाप होगा अगर तुमने मेरे साथ सहयोग नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ शारीरिक व मानसिक रूप से दुष्कर्म किया और फिर कहा कि अब तुम अपने जुर्म का इकबाल करो और मैं तुम्हें उस जुर्म से माफ कर दूंगा। तुमने अब अपनी पवित्रता भंग की है, अब तुम पश्चाताप करो तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैंने भी ऐसा ही किया क्योंकि मेरे पास विकल्प नहीं था। फिर वो मुझे सुबह शाम स्कूल से बुलाकर मेरे साथ बलात्कार करते रहे और मैं अपने पाप का पश्चाताप करती रही और वो मुझे माफ करते रहे।